हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग कैसे एक ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, और बेसिकली मैं ये क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके दिखाया हुआ था, और इसके लिए क्रोम ड्राइवर .exe फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं ये सारा कुछ भी मैं बताया हुआ था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो जाकर मेरा पहले वाला वीडियो देख लें, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बेसिक जो वेब ड्राइवर मेथड्स होते हैं, तो दो तीन मेथड्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कल मैं बताया हुआ था सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी के बारे में, और कैसे ब्राउज़र ओपन करेंगे ये सारा कुछ बताया हुआ था। और आज चलिए मैं बताता हूँ कि कल मैंने ये नहीं बताया था कि आप ब्राउज़र में कैसे एक यूआरएल को ओपन करेंगे, तो आज मैं वो बताने वाला हूँ। फिर कैसे आप वैलिडेट करेंगे सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप वेब ड्राइवर का एक मेथड है जिसको बोलते हैं गेट। तो गेट मेथड क्या करता है, जो भी यूआरएल आप पास किए रहेंगे वो यूआरएल को सिंपली ओपन कर देता है ब्राउजर में। तो यहाँ पे जो ब्राउजर में ओपन करेगा वो होगा क्रोम ड्राइवर के थ्रू, वो ब्राउजर ओपन करेगा, तो मतलब क्रोम ब्राउजर ओपन होगा यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं ड्राइवर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था वेब ड्राइवर का, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर डॉट। अब हमें ओपन करना है एक यूआरएल, तो हम लोग लिखेंगे गेट। अब ये क्या करेगा, गेट जो होता है यहाँ पे हम लोग गेट के अंदर जो भी यूआरएल पास करेंगे एज ए स्ट्रिंग टाइप में, तो ये उसको ओपन कर देगा। तो स्ट्रिंग टाइप में आप चाहें तो यहाँ कोई भी यूआरएल पास कर सकते हैं। तो मैं एक यूआरएल जो है मेरा ही वेबसाइट का है, वही मैं पास कर देता हूँ। नहीं, ये है कि मेरा वेबसाइट, और देखते हैं ये ओपन करता है कि नहीं। अब ये गेट मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप में हम लोग यूआरएल पास कर दी, अब ये इनवोक करेगा तो ब्राउजर ओपन होगा। ब्राउजर ओपन होने के बाद फिर ये पेस्ट कर देगा ब्राउजर में, और वो अपना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो साइट है यूआरएल ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए रन करते हैं पहले। तो देखिए, जैसे ही हम लोग रन कर रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्रोम ड्राइवर वाज स्टार्टेड सक्सेसफुली। और देखिए, अपने आप ओपन हो गया है। अब देखिए, पहले ब्राउजर ओपन हो, ब्राउजर ओपन होते ही यहाँ पे साथ में जो यूआरएल है यूआरएल को हिट कर दिया, तो ये तो यूआरएल ओपन हो गया फ्रेंड्स। लेकिन अभी हम लोग को ये भी ये करना है कि ये जो टाइटल है, ये टाइटल ये प्रिंट करता है या नहीं करता है, देखते हैं। तो अगर हमें लेट्स सपोज बोला जाए कि ये टाइटल प्रिंट करवाना है, तो टाइटल प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब टाइटल अगर हमें प्रिंट करना है, तो उसके लिए एक मेथड होता है गेट टाइटल, उसे हम लोग यूज करेंगे ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। अब जैसे ही गेट टाइटल यूज कर रहा हूँ, तो ये तो कहीं ना कहीं प्रिंट तो करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब जैसे ही ये आया, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ड्राइवर क्या करेगा, पहले तो ओपन कर लेगा, तो अपना ब्राउजर ओपन होगा, ये यूआरएल हिट करेगा, ये वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद ये वेबसाइट का जो टाइटल होगा उसको ये गेट करेगा ड्राइवर, और गेट करके प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो टाइटल है टाइटल प्रिंट कर देगा। चलिए रन करके दोबारा से देखते हैं, और देखते हैं कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखिए, ब्राउजर ओपन हो गया, ये यूआरएल हिट किया। अब देखिए, यूआरएल हिट करने के बाद हम लोग तो कोई ऑपरेशन दिए नहीं, तो बस हमें टाइटल एंटर करना था, टाइटल गेट करना था। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं ये टाइटल गेट करके प्रिंट कर दिया। सो फ्रेंड्स, चलिए और एक चीज मैं आपको ये करवाता हूँ, वैलिडेट करवा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई भी साइट खोलते हैं तो वो रिडायरेक्ट कर देता है दूसरे साइट पे, तो बेसिकली ये हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मतलब रिडायरेक्ट ना करें, हम जो साइट ओपन किए हैं ये वही साइट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये वैलिडेट कैसे करेंगे हम, और एक जो वेब ड्राइवर का मेथड होता है वो होता है करेंट टाइटल या सॉरी करेंट यूआरएल। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट करेंट यूआरएल। आप लोग देख सकते हैं यहाँ करेंट यूआरएल है, तो इसे भी हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को कॉपी कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये पहले ओपन करेगा, ओपन करके जो टाइटल टाइटल ऐसे प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद ये फिर जो करंट यूआरएल होगा, मतलब अगर करंट यूआरएल यही सेम है तो ये सेम प्रिंट करे, अगर ये रिडायरेक्ट करके कोई दूसरे साइट पे चला जाता है तो ये दूसरे साइट का यूआरएल लाएगा। तो इसे हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं, अगर सेम है तो मतलब ये दूसरे साइट पर रिडायरेक्ट नहीं कर रहा, अगर डिफरेंट है तो मतलब ये दूसरे साइट पर रिडायरेक्ट कर दे रहा है। एक बार रन करके ये भी वैलिडेट कर लेते हैं। क्रोम ड्राइवर वाज स्टार्टेड सक्सेसफुली आ गया, ये सारा कुछ हो गया। अब हम लोग देखते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ जो हम लोग यू आर एल पास किए थे वो सेम यू आर एल प्रिंट कर रहा है, मतलब कि ये रिडायरेक्ट करके दूसरे साइट पे नहीं जा रहा है। तो बेसिकली इससे हमारा क्या हो रहा है, वैलिडेशन हो जा रहा है कि हम लोग जो साइट ओपन किए हैं ये वही सेम साइट ओपन
हुआ है। सो फ्रेंड्स और एक चीज बता दूं, जैसे कि अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं, जैसे भी अगर प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ब्राउजर जो है, ये ब्राउजर ऐसे ही ओपन स्टेट में रह जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये ब्राउजर रन हो या रन होने के बाद ये क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्राइवर डॉट क्लोज। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसका जो अपना जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट सारा एग्जीक्यूट कर ले, एग्जीक्यूट करने के बाद ब्राउजर क्लोज हो जाए। इसे अभी हम लोग मैनुअली क्लोज कर रहे थे, लेकिन अभी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा डॉट क्लोज मेथड से। तो हम लोग इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ओपन हुआ और ये अपना बहुत फास्ट काम करते हैं, इसके वजह से ये सारा कुछ प्रिंट किया, प्रिंट करके क्लोज हो गया। तो बेसिकली ये सही से काम कर। और फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्लोज और एक मेथड है क्विट। तो क्लोज और क्विट कैसे यूज करते हैं, उसका डिफरेंस क्या है, वो बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होता है। तो मैं ये सारा कुछ उसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारा कुछ बता दूंगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से शेयर कीजिएगा।